अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर हम लोग बमनी का जब मैं थे जी, हम लोग जो है लुगत अरबिया पढ़ रहे हैं। आजकल हम सबक पढ़ रहे हैं मलिक फैसल अल अज़ीम, इसके बारे में, मलिक फैसल अल मुअज़्ज़म के बारे में, सऊदी अरब के जो है बादशाह रहे हैं, तो इनके बारे में सबक पढ़ रहे थे। ये सबक जो है तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है। तर्जमा, इसका ट्रांसलेशन, अल्फाज के मानी जो हैं ख़त्म हो गया है तकरीबन। बस लास्ट जो है पैरा जो है रहता था, इसका तर्जमा और अल्फाज के मानी जो हैं वो रहते हैं, बाकी आपका सारा कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि फैसल मौज़म की आखिरी तमन्ना थी कि मुसलमान जो हैं वो यंतसिल मुसलमान कि मुसलमान को यहूदियों पर गलबा पा लें और यफ्तहुल कुदस और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लें। वहाँ युसल्ली हुबा सलातन फिल मस्जिद अक्सा, ये कि वो मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करें। इसके अलावा जो है ये लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया तर्जमा करने में, तो आपको करवा देती हूँ। वज़ाले का बिल इजाफत मसाहमा फी मारकत अबूर, उन्होंने एक मार्के में हिस्सा लिया। अल अबूर गुजरगा, अबर अबूर यानी गुजरना, क्रॉस करना, यानी एक अबूर यानी सड़क के गुजरगाह के मार्का में हिस्सा लिया। वह इस्तखदमा सिलाह नफ्त, सिलाह कहते हैं असले को, और आपने तेल का जो है हथियार, हथियार के माने में यहाँ पर है, आपने तेल का हथियार इस्तेमाल किया। मिमलम यूजिबो अदा अल मुस्लिमीन, मिमलम यूजिबो जिसको पसंद ना किया, अदा कहते हैं दुश्मनों को, अदुवन होता है दुश्मन, अदा जो है अदुव की जमा है, अदा उल इस्लाम, इस्लाम के दुश्मनों को जो पसंद ना आया, माँ जो कुछ लम नहीं यूजी वो पसंद आया या पसंद किया, अदा मुस्लिमीन इस्लाम के दुश्मनों ने, बल मुस्लिमीन और मुसलमानों, मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों को, जो कि अदा इस्लाम बल मुस्लिमीन इस्लाम के दुश्मनों, इस्लाम बल मुस्लिमीन और मुसलमानों, जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को पसंद नहीं है। मतलब भी जब वो नहीं पसंद आया अदा दुश्मनों को, इस्लाम, इस्लाम के बल मुस्लिमीन और मुसलमानों के, जो कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों को पसंद नहीं आया। वाओ का मतलब होता है और, ये दो लफ्ज़ों का पसंद मिला रहा है, इस्लाम और मुस्लिमीन मुसलमानों, यानी मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों को ये बात आपकी पसंद नहीं आई। फमाता शहीदन, आपको शहीद कर दिया गया, अब या शहीद हो गए। वा कतलहू, वाह कतल हूँ, आपको कतल कर दिया, कतल करना, कतल करना, हु जो है ज़मीर है उसको कतल कर दिया गया, यानी आपको, किसको, फैसल मौज़म को कतल कर दिया, कतल कर दिया। अहद, किसी एक ने, अल अमरा उमरा में से, उमरा में से किसी एक ने कतल कर दिया, कौन कौन से उमरा ने, असउद्दीन सऊदी, सऊदी उमरा में से किसी एक ने इसको कतल कर दिया। फिर शहर, शहर कहते हैं महीने को, मंथ, मंथ के मानी शहर, और मदीना का मतलब शहर होता है, और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अरबी मदीना, लाहौर, लाहौर के शहर में, मदीना का मतलब शहर होता है, और शहर जो है अरबी में इस लफ्ज़ का मतलब होता है महीना। फिर शहर रबी अव्वल, रबी अव्वल के महीने में, यानी शहर का मतलब यहाँ शहर नहीं होता, शहर का मतलब होता है महीना, और शहर के लफ्ज़ के लिए हम मदीना इस्तेमाल करते हैं, मदीना का मतलब होता है शहर, शहर का मतलब अरबिक में मदीना यानी शहर। फिर शहर, शहर माने महीना। फिर शहर रबी अव्वल, रबी अव्वल के महीने में, सनाती अलिफ तिसमियाता तिसऊन खमसावा तिसऊन, या आज से जो है हिजरी या फिर मिलादी या अलिफ तिसमियाता खमसा व सबाऊ, यानी 1975 में, 1975 में रबी अव्वल के महीने में आपको कत्ल कर दिया गया। सऊदी, सऊदी उमरा में से किसी एक ने आपको रबी अव्वल के महीने में 1975 में कत्ल कर दिया और आप शहीद मारे गए। ठीक है, इसको आप देखें, अगर कोई मुश्किल आ रही है, मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो इस सबक के अंदर कोई भी अल्फाज का मतलब कुछ भी समझ ना आ रहा, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये सबक हमारा आज जो है ख़त्म हुआ, इसके बाद हम आगे जो है इसकी तामारीन करेंगे, मश्क करेंगे, और उर्दू से अरबी, अरेबिक से उर्दू सवालों के जवाब, खाली जगहें और वाहिद जमा और जुमले हैं। ठीक है, इसको आप देखें, मज़ीद हम फिर कल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।